वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं शेफ दानिश और आप देख रहे हैं शेफ दानिश फूड रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए चिकन चौमियन की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ जी। ये चौमियन है, ये स्पेक्टे नूडल्स है, ये मैंने बॉयल कर ली है। आपको जब बॉयल करना है तो एक स्पेक्टे के लिए आपको 2 लीटर ऑयल, सॉरी 2 लीटर पानी में आपने बॉयल जब करना है 7 से 8 मिनट, तो आपने उसे चम्मच के साथ ऐसे करके देख लेना। अगर तो ये हैंग हो रही है इसके साथ, इसका मतलब है कि ये गल गई है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, ओवर हो जाएगी नहीं तो। और ये चिकन मैंने मैरिनेट कर ली है, ये जुलियन चिकन है, इसे मैंने एग और कॉर्नफ्लोर लगाया है, हल्का नमक 1/2 टीस्पून और वाइट पेपर, ये लगा के मैंने मैरिनेट कर लिया है। अगर आप इसे मैरिनेट नहीं करेंगे तो चिकन आपका हार्ड रह जाएगा। अक्सर लोगों का ये होता है कि चिकन इसमें चौमियन में हार्ड है, जब आप इसको मैरिनेट करके करेंगे एग वगैरह और कॉर्नफ्लोर लगा कर स्टार्च, तो उसके साथ ये सॉफ्ट चिकन नरम बनेगा। वेजिटेबल हमें चाहिए थी कैबेज, कैप्सिकम, ऑनियन, कैरेट, ग्रीन ऑनियन। ये दिखाएं, जूम करके दिखाएं जी। ये शुगर है 1/2 टीस्पून, थाई चिली 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ये जी विनीगर, 2 टेबलस्पून केचप, ऑस्टर्ड सॉस है 2 टेबलस्पून जी, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, ये 4 टेबलस्पून ऑयल, आँच को तेज कर लिया ये फ्लेम, गार्लिक जिंजर पेस्ट, हो गया हाफ कप पानी लगाएंगे इसे वाटर, ताकि ये स्टैंडर्ड हो जाए। हाफ टेबल स्पून नमक है, वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे, कैबेज लास्ट पे डालेंगे, नहीं तो ये ज्यादा ग्लेजी हो जाएगी, गल जाएगी। ये 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर,
ये हो गया, इससे ज्यादा हम इसे और टेंडर करेंगे तो ये वेजिटेबल जो अपना पानी जो है ना वो नरम हो जाएगी ज्यादा। अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, जो भी हमारा रेडी है। ग्रीन ऑनियन जी व्यूवर्स, तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।